तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचडी फोटोग्राफी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि रामनवमी की एडिटिंग को कैसे करें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पिक्सआर्ट के अंदर फिर मैं लाइटरूम में दिखाऊंगा कि उसको बैकग्राउंड के साथ मैच कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पिक्सआर्ट ओपन करना होगा तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको नीचे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से ऑल फोटोज से जाके आप फोटोज का कटआउट ले लें। मैं पहले से फ़ोटो का कटआउट बना के रखा हूँ। तो आपको कटआउट अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा के कटआउट करवा लेना है फ़ोटो को। फिर आप ड्रॉ टूल में जाइए। डॉट टूल में जाने के बाद आप लेयर वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ प्लस वाला साइन पर क्लिक करें, फोटो लेयर पर क्लिक करें और आप बैकग्राउंड जो आपको चाहिए रामनवमी का वो बैकग्राउंड, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बैकग्राउंड का। तो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड मुझे लगा तो मैं इसे डाउनलोड कर लिया गूगल से और इसको एडजस्ट कर लें जैसे आपको लगाना है जिस हिसाब से। तो मैं इसको नीचे रखूँगा, इसको नीचे लाऊँगा फ़ोटो के नीचे की। फिर मैं अपने फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। फिर इसको मैं यहाँ वाले थ्री डॉट पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है, फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे। तो मैं फ़ोटो यहाँ मेरा काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इस जगह पे फ़ोटो वो अच्छे से रखूँगा कि कहीं गड़बड़ी ना हो। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है दोस्तों, लेकिन काफ़ी सही हो जाएगा एडिट करने के बाद। तो अब मैं फ़ोटो पहले से कर लिया तो काफ़ी सही लग रहा है, देख सकते हैं। और फिर मैं एक और मैं फ़ोटो लेयर लूँगा, ये कुछ मैं थोड़ा सा लाइट डाउनलोड किया हूँ क्रोम से। और इसको भी मैं इसका पहले मैं स्क्रीन मोड में करूँगा नीचे वाले ऑप्शन से स्क्रीन में, और इसको मैं फ़ोटो के नीचे ले आऊँगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है लाइट का पीछे बैकग्राउंड में, तो हम मुझे काफ़ी सही लगा। और मैं फिर एक और फ़ोटो लेयर लूँगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट मैं रखा हूँ तो रामनवमी लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसको भी मैं फ़ोटो के इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, कहाँ एडजस्ट करना है ट्रांसफॉर्म, उस छोटा बड़ा कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से। तो मैं नीचे रखूँगा, काफ़ी सही लग रहा है गाइस। और फिर मैं एक और फोटो लेयर लूँगा टीका का, तो अच्छा था काफ़ी। तो इस टीका वाले को भी मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा और अपने फेस पे एडजस्ट कर लूँगा कहाँ मुझे लगाना है टीका। यहाँ से कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो गाइस फ़ोटो को ज़ूम कर लें। फ़ोटो को ज़ूम करने के बाद आप यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन क्लिक करें तो फ़ोटो को अब टीका लगा सकते हैं अच्छे से। तो गाइस काफ़ी सही लग रहा है टीका। देख सकते हैं गाइस काफ़ी सही है, फोटो लग रहा है, बहुत ही इजी वे में बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ओनली एक या दो मिनट भी नहीं लगा बैकग्राउंड में चेंज कर लिया। तो ऐसे ही आप बैकग्राउंड चेंज करें और ये फ़ोटो को आप यहाँ से सेव कर लें। और फिर आप यहाँ पे जाके अगर फ़ोटो का क्वालिटी बढ़ाना है तो रिसाइज कर लें, लगभग आप यहाँ कुछ 291 पे रिसाइज कर लें फ़ोटो का, इससे आपका फ़ोटो का MB और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएगा। फिर फ़ोटो को आप सेव कर लें गैलरी में जाके, तो सेव टू गैलरी, गैलरी में सेव होने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैं गैलरी से फ़ोटो लेके इसे लाइटरूम के अंदर थोड़ा सा एडिट करके
काफ़ी सही लुक में फ़ोटो लाने जा रहा हूँ। तो गाइज मैं फ़ोटो को लाइट रूम के अंदर ले आया हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं लाइट रूम में ओपन कर लूँगा फ़ोटो को, कुछ इस टाइप का फ़ोटो। और मैं इसे लाइट्स हल्का इसका बढ़ा लूँगा हल्का, और फिर इसका हाईलाइट्स एकदम माइनस में रखूँगा -91, शैडो का भी थोड़ा सा 18 पे, और वाइट्स को भी और इसको भी 18, 13 और 11 पे रखेंगे। फिर मैं वाइब्रेंस का हल्का कलर बढ़ाऊँगा, फिर मिक्स वाले टूल में जाके इसका फेस का कलर लुमिनस हल्का बढ़ा के लगभग 18 के आसपास रखेंगे। फिर थोड़ा लिप्स का कलर बढ़ाएंगे, थोड़ा सेचुरेशन इसका फ़ोटो का बढ़ाएंगे, तो काफ़ी सही लग रहा है गाइस, फ़ोटो में लुक आने लगा। और हल्का येलो वाले को -36 रखेंगे, और ग्रीन वाले को भी हल्का सेचुरेशन कम रखेंगे -36 के आसपास, और ब्लू वाले को थोड़ा सा ह्यू -12 और -12 यू को, और सेचुरेशन को 23 रखेंगे। तो काफ़ी सही लग रहा है गाइज, और बाकी सबको -100 ही पे रखेंगे। तो लगभग फ़ोटो मैच हो चुका है, तो थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाएंगे 15 के आसपास, और क्लियरिटी थोड़ा सा विंटेज रखेंगे फ़ोटो में। काफ़ी सही लग रहा है गाइज, अब फ़ोटो को देख सकते हैं, बहुत ही पहले से बैकग्राउंड इसका काफ़ी हद तक मैच हो चुका है। और एक लास्ट बहुत ही अच्छा ग्रेडिंग वाला ऑप्शन से मैं थोड़ा सा ग्लोबल में जाके इसका थोड़ा येलो टोन रख लूँगा, काफ़ी सही बैकग्राउंड से मैच कर जाता है गाइज। और इसका लुमिनस थोड़ा 23 तक रखूँगा, फिर मिड टोन में जाके हल्का ऑरेंज रखूँगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, काफ़ी हद तक मैच कर गया बैकग्राउंड, बहुत ही सही मैच कर गया, लग रहा है कि सच में वहाँ पे है फ़ोटो। तो और मैं अगर लाइट लाना है तो थोड़ा सेलेक्टिव पे क्लिक करके सर्कल वाले पे मैं यहाँ पे लाइट लाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसका एक्सपोज़र यहाँ जाके कुछ बढ़ा लूँगा लगभग इतना के आसपास, और थोड़ा जूम कर लूँगा इस फ़ोटो को बढ़ा। तो सो काफ़ी सही लग रहा है गाइज, लग रहा है सच में वहाँ लाइट आ रहा है, और बहुत ही ऑसम लग रहा है गाइज। तो अगर आपको ये रामनवमी वाला एडिटिंग कराना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प कर सकूं।